आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन में स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं निर्धारण असेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का अध्ययन करेंगे। स्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो व्यवसाय की स्थायी दीर्घ एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए होती है। सुबिन के शब्दों में स्थायी पूंजी वह कोष है जो ऐसी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है जिनका प्रयोग दीर्घकाल तक बार बार किया जाना है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए होती है। स्थायी संपत्तियों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। मूर्त संपत्तियाँ टेंजिबल एसेट्स जैसे कि भूमि भवन संयंत्र मशीनरी फर्नीचर इत्यादि। दूसरा अमूर्त संपत्तियाँ इंटेंजिबल एसेट जैसे कि ख्याति एक्सो कॉपीराइट इत्यादि। कुछ स्थायी पूंजी की आवश्यकता ऐसे वे विपूर्ति के लिए भी होती है जिनसे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता जैसे कि अनुसंधान व्यय व्यवसाय की स्थापना के लिए किए गए प्रवर्तन प्रमोशनल व्यय अनुसंधिक व्यय अभिगोपन कमीशन इत्यादि। इन व्ययों के लिए कोषों की आवश्यकता एक दीर्घकालीन आवश्यकता है अतः इन व्ययों की पूर्ति के लिए जिन कोषों की आवश्यकता होती है उन्हें भी स्थायी पूंजी में शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय को पर्याप्त मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है जिस स्थायी संपत्तियों में लगाकर उत्पादन अथवा व्यवसायिक सुविधाएँ उत्पन्न की जा सकें। एक नए व्यवसाय को स्थायी पूंजी की आवश्यकता आरंभ में ही होती है क्योंकि स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता भी व्यवसाय के परिवर्तन अथवा स्थापना के समय होती है। वर्तमान समय को स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के विकास विस्तार के लिए होती है अतः व्यवसाय में स्थायी पूंजी की पर्याप्त मात्रा रखना अति आवश्यक होता है। स्थायी संपत्ति के अनुमान को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसेंशियल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट्स। स्थायी पूंजी अथवा स्थायी संपत्तियों के अनुमान को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो शीर्षकों में बांटकर देखा जा सकता है आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। नंबर वन इंटरनल फैक्टर व्यवसाय की प्रकृति नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं कि उनमें स्थायी संपत्तियों में अत्यधिक विनियोग करने की आवश्यकता होती है जबकि कुछ अन्य व्यवसाय में नहीं होती। सामान्यतः निर्माणी संस्थाओं में व्यापारिक संस्थाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का आकार किसी संस्था का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक मात्रा में उसके लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। उत्पादन के प्रकार यदि कोई संस्था केवल उपयोग सामान्य उपयोग उपभोग के वस्तुएं बनाती है जैसे कि साबुन तेल इत्यादि तो उसे ऐसी संस्था की तुलना में कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। संस्था द्वारा की जाने वाली क्रियाएं एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द इंटरप्राइज। यदि कोई संस्था किसी वस्तु के सभी हिस्से स्वयं निर्माण करती है तो उसे ऐसी संस्था की तुलना में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी जो वस्तु के अधिकांश हिस्से बाहर से बनवाकर केवल उन्हें जोड़ने का कार्य करती है असेंबलिंग इंस्टीट्यूशन। इस प्रकार यदि कोई संस्था अपनी वस्तुओं का निर्माण भी करती है तथा विपणन भी करती है तो ऐसी संस्था की तुलना में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने का तरीका मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यदि कुछ स्थायी संपत्तियां पट्टे पर अथवा किराए पर प्राप्त हो सकती हैं तो उतनी ही कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके विपरीत यदि सभी स्थायी संपत्तियां तुरंत नगद भुगतान करके क्रय की जाती हैं तो अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। पुरानी संपत्तियों की प्राप्ति एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। कुछ उद्योगों में पुराने संयंत्र मशीनरी काफ़ी कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं जिन्हें संतोषजनक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्थायी पूंजी की आवश्यकता काफ़ी सीमा तक कम हो जाएगी परंतु पुराने संयंत्र और मशीनरी के और अन्य उद्योगों में प्रयोग जाना चाहिए जहां तकनीकी परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। स्थायी संपत्तियों का रियायती दरों पर उपलब्ध होना
अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कंसेशनल रेट। कुछ क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से सरकार भूमि एवं रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है, ऐसी दशा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। दूसरा, एक्सटर्नल फैक्टर्स सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण जनरल इकोनॉमिक आउटलुक। यदि अर्थव्यवस्था मंदी से उभर रही है और व्यवसायिक क्रियाओं के स्तर में वृद्धि की संभावना दिखाई देती है तो स्थायी संपत्तियों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, इसलिए स्थायी पूंजी की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। तकनीकी परिवर्तन टेक्नोलॉजिकल चेंज, यदि किसी उद्योग में तेजी से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं तो स्थायी पूंजी को भी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पुरानी और अप्रचलित मशीन को नई मशीन में बदला होगा। प्रतियोगिता की मात्रा डिग्री ऑफ कंपिटेशन, स्थायी पूंजी की आवश्यकता पर प्रतियोगिता की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी उद्योग में बड़ी मात्रा में प्रतियोगिता है तो उसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी, क्योंकि यदि कुछ फर्में शीघ्रतापूर्वक नई तकनीक अपनाती हैं चली जाती हैं तो अन्य फर्मों को व्यवसाय करना होगा। उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रीफ्रेंसेस, यदि किसी उद्योग में उपभोक्ता की पसंद में लगातार परिवर्तन होता रहता है तो स्थायी पूंजी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, क्योंकि फर्म को उसी के अनुसार नई नई किस्म की वस्तुएं उत्पादित करनी होगी जिसके लिए अधिक मात्रा में स्थायी संपत्तियों में विनियोग करना होगा और इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हमें होगी। थैंक यू।